नमस्कार, मैं मेघा गंगराड़े फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने। उम्मीद है आप हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाइपरटेंशन के बारे में, जिसे हाई बीपी भी कहा जाता है और इसे एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जब आपकी आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो आपके हार्ट को नॉर्मल से ज़्यादा पंप करना पड़ता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, इसे ही हाई बीपी कहा जाता है। अब हम देखते हैं हाई बीपी के लक्षण क्या होते हैं। जब हाई बीपी अर्ली एज में होता है तो किसी को हेडेक होने लगता है, किसी को वोमिट जैसा लगता है, जी मचलाने लगता है, फिर चक्कर आने लगते हैं, विज़न डबल हो जाता है, या जिसे हाई बीपी हैवी हाई बीपी होता है उसकी नाक में से खून निकलने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जो फीमेल बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती है उन्हें भी हाई बीपी से रिलेटेड जो समस्या है वो होती है। अधिकतर होता है प्रेगनेंसी में फीमेल्स को हाई बीपी की समस्या होती है, बट वो आफ्टर प्रेगनेंसी ठीक हो जाती है। अगर यंग एज की बात करें तो यंगस्टर्स को ओबेसिटी के कारण हाई बीपी की समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि ये फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, फिर फैट जो है इनकी आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण इनकी आर्टरीज स्टिफ हो जाती है और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण हार्ट को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए ज़्यादा पंप करना पड़ता है। हाई बीपी टू टाइप का होता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। नॉर्मल जो है वो 120 90 होता है, जो 120 है वो सिस्टोलिक होता है और जो 90 है वो डायसिस्टोलिक होता है। हर व्यक्ति का अपनी एज के अनुकूल बीपी होता है, हम उसे एक फॉर्मूला है उसे चेक कर सकते हैं, एज प्लस 90 माइनस 10। सपोज़ आपकी एज 30 है प्लस 90 माइनस 10, 30 में 90 प्लस किया 120 माइनस 10 मतलब 110, 110 टू 120 के बीच में आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी हाई बीपी के लिए डेली टैबलेट लेते हैं वो डॉक्टर से बिना पूछे टैबलेट बंद नहीं करेंगे। अगर डॉक्टर आपका डोज कम करते हैं तो ठीक है, पर आप खुद से टैबलेट बंद नहीं करेंगे, आपको डेली टैबलेट लेनी है और साथ में इन आसनों का अभ्यास भी करना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हाई बीपी के आसन कि कौन कौन से आसन आपको करने हैं, कौन कौन से प्राणायाम आपको करने हैं और उसका क्या सीक्वेंस होता है। और एक चीज़ और, जो हाई बीपी वाले हैं उन्हें कपालभाति और भस्त्रिका बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कपालभाति और भस्त्रिका ऑलरेडी आपकी बॉडी में हीट जनरेट करता है, तो हाई बीपी वालों को ये दोनों क्रिया और प्राणायाम तो बिल्कुल अवॉइड करना है। कौन कौन से आसन और कौन कौन से प्राणायाम करने हैं हमें, उसका सिक्वेंस मैं आपको बताऊँगी। हम कर रहे हैं अर्धालासन, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, धीरे से पैरों को 30 डिग्री पर उठाएंगे, कुछ सेकेंड होल्ड, देन 45 डिग्री पर, फिर 60 डिग्री पर और फिर लेकर आएंगे 90 डिग्री पर। जो पैरों को इस तरह से नहीं रख सकते वो हाथों से पैरों को पकड़कर होल्ड कर सकते हैं। अगर ले जाने में भी दिक्कत होती है तो हाथों के सपोर्ट से धीरे से आएंगे 60 डिग्री पर, फिर 45 डिग्री पर, फिर 30 डिग्री पर, धीरे से आएंगे हम वापस, फिर करेंगे हम शवासन, दोनों हथेलियाँ आसमान की तरफ, दोनों पैर खुले हुए। हर आसन के बाद आपको उसका विश्रामदायक आसन करना है, ताकि आप आपकी बढ़ी हुई श्वासों को नॉर्मल कर सकें और एक नए आसन के लिए शरीर को तैयार कर सकें। अब हम फिर से दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हाथ साइड में, हम कर रहे हैं पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाकर दोनों पैरों के घुटनों को चेस्ट की तरफ लाएंगे, गर्दन नहीं उठाना है हाई बीपी वालों को, ऐसे ही कुछ देर होल्ड रहेंगे, धीरे से फिंगर लॉक खोलेंगे, दोनों पैरों को नीचे रखेंगे, फिर करेंगे हम शवासन, अपनी बढ़ी हुई श्वासों को नॉर्मल करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। अब हम सीधी करवट से पेट के बल आएंगे, अब करेंगे हम भुजंग आसन, फिर से पेट के बल करने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे, दोनों पैर मिले हुए, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, धीरे से हाथों को लेकर आएंगे, चेस्ट के पास रखेंगे, अब सिर नोज़ और चिन को टच करते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, आपकी कॉर्निया मुड़ी हुई रहनी चाहिए और आप ऊपर की तरफ देखेंगे,
कुछ देर रुकने के बाद आएंगे वापस। अब हम पेट के बल करने वाले आसन का विश्रामदायक आसन करेंगे, मकरासन। पीछे से पैर खुले हुए, उल्टा हाथ सीधे कंधे पर, सीधा हाथ उल्टे कंधे पर। कुछ सेकेंड होल्ड रहेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग करने का मतलब है आपको लंबी गहरी श्वास लेनी है और वैसे ही आपको एक्सहेल करना है। फिर हम इसका दूसरा पोज करेंगे, दोनों पैर मिलाएंगे, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की हथेली पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ उठेंगे। हाथों की कोहनियाँ मोड़नी नहीं है, स्ट्रेट रखनी है। इसमें कुछ देर रुकने के बाद हम धीरे से आएंगे वापस। फिर हम करेंगे इसका विश्रामदायक आसन, मकरासन। एड़ियाँ अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, लंबा गहरा श्वसन करेंगे ताकि हम खुद को एक नए आसन के लिए तैयार कर सकें। बैठकर करने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, पीठ सीधी। हम करेंगे वक्रासन, सीधे पैर को मोड़कर लेकर आएंगे घुटने के पास। उल्टे हाथ से सीधे पैर के घुटने को इस तरह से होल्ड करेंगे, सीधा हाथ रखेंगे पीछे से कमर पर और आपकी गर्दन जाएगी सीधे हाथ की तरफ। सीधे हाथ की तरफ से आपको पीछे की तरफ देखना है। धीरे से आएंगे हम वापस। अब हम इसी आसन को करेंगे उल्टे पैर से, उल्टे पैर को लेकर आएंगे सीधे पैर के घुटने के पास। सीधे हाथ से अब पैर के घुटने को होल्ड करेंगे, उल्टे हाथ को लेकर जाएंगे कमर पर, उल्टी तरफ से, बाईं तरफ से, मतलब आपको पीछे की तरफ देखना है। कुछ सेकेंड होल्ड रहने के बाद हम आएंगे धीरे से वापस। अब हम बैठकर करने वाले आसनों का विश्रामदायक आसन करेंगे, दंडासन। दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे लटका देंगे। कुछ देर रुकेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे ताकि हम खुद को एक नया आसन के लिए तैयार कर सकें। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। फिर से बैठकर करने वाले आसनों की पहली पोजीशन में आएंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे, उल्टे हाथ को रखेंगे सीधे हाथ के घुटने पर, सीधा हाथ इस तरह से सामने रखेंगे, सीधी तरफ से हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। हम कर रहे हैं त्रिकोण आसन। कुछ देर रुकने के बाद हम आएंगे धीरे से वापस। अब सीधे हाथ को उल्टे घुटने पर रखेंगे, लेफ्ट तरफ से, मतलब बाईं तरफ से पीछे की तरफ जाएंगे। कुछ देर रुकेंगे, फिर आएंगे हम धीरे से वापस। फिर करेंगे हम दंडासन। हाई बीपी वाले जितना भी रिलैक्स हो के आसन करते हैं ना, उन्हें उतना फ़ायदा मिलता है। हर आसन के बाद आप उसका विश्रामदायक आसन ज़रूर करें। अब करेंगे हम ब्रह्म मुद्रा। सीधे पैर को मोड़कर लेकर आएंगे, फिर उल्टे पैर को मोड़कर लेकर आएंगे। जो इस तरह से वज्रासन में बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं, अदरवाइज़ जिन्हें नहीं बैठते बनता है वो नॉर्मल आसन में भी बैठ सकते हैं आलती पालती मार कर। सीधी तरफ से गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, कुछ देर रुकेंगे, फिर आएंगे वापस। अब बाईं तरफ से जाएंगे, बाईं तरफ, फिर आएंगे हम धीरे से वापस। अब गर्दन को सीधे शोल्डर से, सीधे कंधे से टच करने की कोशिश करेंगे, फिर आएंगे हम धीरे से वापस। फिर बाईं तरफ जाएंगे, कुछ देर रुकने के बाद हम आएंगे धीरे से वापस। अब गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, जिससे जितना हो उतना ही करें, खुद को ज़्यादा फोर्स ना करें। कुछ देर रुकने के बाद हम आएंगे धीरे से वापस।
हाई बीपी वालों को ध्यान रखना है, आपको गर्दन नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं लानी है। और उसके पहले हम करेंगे दंडासन। दंडासन में विश्राम करेंगे, लंबा गहरा श्वसन करेंगे, बढ़ी हुई श्वासों को नॉर्मल करना है। अब करेंगे हम उष्ट्रासन, फिर हम सीधे पैर को मोड़कर लेकर आएंगे, फिर उल्टे पैर को मोड़कर रखेंगे बटक के नीचे, फिर घुटनों पर खड़े होना है, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, दोनों हाथों को कमर पर रखना है और पीछे बैकवर्ड बेंडिंग करनी है, पीछे की तरफ आपको झुकना है, जिससे जितना हो उतना ही करें। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अब हम आएंगे धीरे से वापस वज्रासन में बैठेंगे, धीरे से पैरों को खोलेंगे, पहले सीधा पैर फिर उल्टा पैर, फिर वापस करेंगे हम दंडासन, फिर से हम बढ़ी हुई श्वासों को नॉर्मल करेंगे ताकि हम खुद को एक नए आसन के लिए तैयार। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में। अब हम कर रहे हैं द्विभुज कटी चक्रासन। दोनों पैरों में गैप करेंगे, दोनों हाथ सामने, शोल्डर जितना गैप करेंगे हाथों में भी, दोनों हाथ पीछे लेकर जाएंगे सीधी तरफ से, दोनों हाथों का जो गैप है वो बराबर होना चाहिए, गर्दन सामने, धीरे से हम वापस आएंगे, हाथों को स्ट्रेच करेंगे, बाई तरफ जाएंगे, फिर हमारी गर्दन सामने रहेगी, धीरे से आएंगे हम वापस, हाथ रखेंगे नीचे की तरफ। और अब हम करेंगे खड़े होकर दंडासन, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की हथेली को पकड़ेंगे, पैरों में शोल्डर जितना गैप करेंगे, गर्दन पीछे लटका देंगे, अब हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग, दोनों पैरों में शोल्डर जितना गैप करेंगे, दोनों हाथ कमर पर रखेंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे, जितना आपसे हो उतना ही झुकना है, ज़्यादा खुद को फोर्स नहीं करना है, धीरे से आएंगे हम वापस, फिर करेंगे हम खड़े होकर दंडासन, बढ़ी हुई श्वासों को नॉर्मल करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। अब हम करेंगे ताड़ासन, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, अब दोनों पैरों में फिर से हम शोल्डर जितना गैप करेंगे, दोनों हाथ सामने से उठाएंगे, अब दोनों हाथों के साथ दोनों पैरों को भी उठाना है, पंजों पर आना है, हाथों को फिंगर लॉक बनाकर ऊपर की तरफ हथेली को टर्न करना है, पेट अंदर की तरफ खींचना है, थोड़ी देर ऐसे ही रुके रहना है, फिर आएंगे धीरे से वापस, रिलैक्स करेंगे। अगर जिसे पंजे पर ऐसे खड़े होते नहीं बनता है वो पैरों को रख सकता है नीचे और सिर्फ हाथों को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, फिर धीरे से आएंगे वापस, फिर करेंगे हम दंडासन, फिर से हम करेंगे डीप ब्रीदिंग, बड़ी हुई श्वासों को नॉर्मल करेंगे। आज आपने देखा कि हाई बीपी में आसन कैसे किए जाते हैं, उनका क्या सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओम चैंटिंग ये कैसे की जाती है। उम्मीद है आप हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, आसनों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपको आसनों से संबंधित कोई समस्या हो तो हमें ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तब तक स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। नमस्कार।